नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम रेहान और आप देख रहे हैं इंडियन इन्फॉर्मेशन गुरु। आज मैं आपको बताने वाला हूँ नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट के बारे में। नेट का फॉर्म आ गया है दोस्तों, अब आपका इंतज़ार ख़त्म हो चुका है। नेट का जो ऑनलाइन फॉर्म है आ चुका है 1 सितंबर से, ठीक है। आप देख सकते हैं UGC एग्जामिनेशन रिजल्ट ये जुलाई वाला है, क्वेश्चन पेपर रिलीज हो चुका है, आंसर की भी रिलीज हो चुका है, UGC नेट जुलाई 2018, ठीक है। और 1 सितंबर से जो है नेट का एग्ज़ाम आ चुका है दोस्तों, नेट का ऑनलाइन फॉर्म आ चुका है। तो दोस्तों मैं आपको सरकारी रिजल्ट पर ले चलता हूँ और मैं आपको दिखाता हूँ कि नेट का एग्ज़ाम कब से कब तक है और उसकी क्राइटेरिया क्या है। तो चलिए मैं सरकारी रिजल्ट पर मुझे जाकर आपको नेट का एग्ज़ाम के बारे में बताता हूँ क्या है इसका प्रोसेस। आप यहाँ देख सकते हैं NTA UGC नेट ये ऑप्शन दिया हुआ है, यहाँ से आप फॉर्म भी भर सकते हैं दोस्तों। तो यहाँ से मैं क्लिक करता हूँ NTA UGC नेट, ठीक है। अब मैं यहाँ पे क्लिक कर दिया, इसका अब क्राइटेरिया क्या है ये पढ़ लीजिए। देखिए जनरल के लिए 800 रुपये हैं, OBC के लिए 400 रुपये हैं और ST SC PH वालों के लिए 200 रुपये हैं। तो पहले क्या था, इससे पहले ये था कि जनरल OBC वालों के लिए 500 था और ST SC वालों के लिए 100 था, लेकिन इस साल क्या किया है कि अप्लीकेशन फ़ीस में बढ़ोतरी किया है, जनरल वालों के लिए 800 रुपये किया है, OBC वालों का खैर 100 रुपये घटाया है और ST SC वालों का 200 कर दिया है। अप्लीकेशन देख सकते हैं यहाँ पे 1/9/2018 से स्टार्ट हुआ है, यानी 1 सितंबर से, और लास्ट डेट अप्लाई ऑनलाइन है 30/9/2018, लास्ट डेट पेमेंट है 1/10/2018, ठीक है। और ऑनलाइन एग्ज़ाम डेट है 23/12/2018, यानी एग्ज़ाम होगा अब ऑनलाइन एग्ज़ाम डेट 23/12/2018। एडमिट कार्ड आपको 10/1/2019 को मिल जाएगा, यानी रिजल्ट डिक्लेयर होगा 10 तारीख को, एडमिट कार्ड 9/2018 में आपको अवेलेबल हो जाएगा। चलिए इसको एज के बारे में जान लेते हैं, एज क्या है। एज देखिए GRF के लिए 30 साल है और नेट के लिए नो एज लिमिट, यानी नेट जो है आप किसी भी एज में कर सकते हैं, GRF 30 साल के लिए। एलिजिबिलिटी चलिए मैं देखते हैं एलिजिबिलिटी क्या है भाई। एलिजिबिलिटी में देखिए पास अपेयर मास्टर डिग्री, यानी आप अगर मास्टर डिग्री कर चुके हैं या तो मास्टर डिग्री कर रहे हैं तो आप इसको भर सकते हैं। मिनिमम 55% चाहिए, यानी आपका 55% है या उससे ऊपर है तो आप कर सकते हैं, अगर नीचे है तो नहीं कर सकते, या पास है या पेरिंग में है तो आप भर सकते हैं। तो यहाँ पे सभी सब्जेक्ट दिए हुए हैं, देख सकते हैं आप कि सभी सब्जेक्ट हैं, इकोनॉमिक्स फिलोसफी सोशियोलॉजी सब यहाँ पे सब्जेक्ट कोड दिया हुआ है, यहाँ सब्जेक्ट नेम दिया हुआ है, ठीक है। तो यहाँ से आप जो भी सब्जेक्ट आप भर सकते हैं। तो हिस्ट्री का देखिए कोड नंबर 06 है, कॉमर्स का 08 है, तो इस तरह से आप भर सकते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं कितने सब्जेक्ट हैं भाई, 99 सब्जेक्ट, यानी GRF और नेट के लिए 99 सब्जेक्ट से आप GRF नेट निकाल सकते हैं और PhD में एडमिशन ले सकते हैं दोस्तों। तो यहाँ देख सकते हैं अप्लाई ऑनलाइन डाउनलोड नोटिफिकेशन ऑफिशियल वेबसाइट, तो डाउनलोड नोटिफिकेशन में देखा जाए कि आखिर क्या क्या क्राइटेरिया है, क्या क्या मांग रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने आपको बता दिया है कि क्या क्या चाहिए और एज में क्या है। GRF के लिए 30 साल दिया हुआ है, ठीक है, और नेट के लिए, और नीचे देखिए यहाँ लिखा हुआ एज रिलैक्सेशन स्ट्रप एज पर रूल्स, यानी अगर आप OBC हैं या ST SC हैं तो आपको छूट भी दी जाएगी, छूट आपको मिलेगी, ठीक है। अगर आप OBC हैं छूट मिलेगा और ST SC वालों के लिए भी छूट मिलेगा। तो इसके लिए मैं आपको नोटिफिकेशन में दिखाता हूँ। तो दोस्तों यहाँ आप देख सकते हैं कि यहाँ पर नोटिफिकेशन में डाउनलोड नोटिफिकेशन इन्फॉर्मेशन में आपको मैं दिखा देता हूँ। जनरल वालों का 800 रुपये है, यानी 800, 400 रुपया OBC वालों का है, 200 रुपया ST SC वालों का है, ठीक है। इसमें स्टेप देखिए कितना दिया हुआ है, स्टेप 1 में आप देख सकते हैं कि आपको क्रिएट पासवर्ड वगैरह जो है सिक्योरिटी क्वेश्चन वगैरह आपको फिल करना है, एप्लीकेशन नंबर क्रिएट करना है। दूसरा ऑप्शन स्टेप में क्या करना है आपको, दूसरे स्टेप में आपको जो है इमेज अपलोड करना है, फोटोग्राफ और सिग्नेचर करना है। आप यहाँ देख सकते हैं कि फोटोग्राफ और सिग्नेचर JPG फॉर्मेट ओनली, यानी JPG में या JPEG फॉर्मेट में होना चाहिए और कम से कम उसकी साइज़ 200 KB में, ठीक है।
और सिग्नेचर की साइज जो है 4 KB से 30 KB तक होनी चाहिए। ठीक है, तीसरे स्टेप में आते हैं पे एग्जामिनेशन फीस SBI मोड या नेट बैंकिंग डेबिट कार्ड ई कार्ड या ई चालान द्वारा होगा। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ पे आप डेबिट कार्ड द्वारा या क्रेडिट कार्ड या ई चालान या SBI नेट बैंकिंग द्वारा आप कर सकते हैं। ठीक है, ये 3 स्टेप आपको फॉलो करने होंगे। इम्पोर्टेंट इंटरप्शन ऑफ दिस थिंग अबाउट पासवर्ड वगैरह का आपको ध्यान होना करना होगा। और पासवर्ड में आप देख सकते हैं मस्ट बी 8 से 13 कैरेक्टर लॉन्ग, फिर अपर केस लगाना है, फिर लोअर केस लगाना है, फिर न्यूमेरिक वैल्यू लगाकर आपको पासवर्ड क्रिएट कर लेना है। आप रिसेट पासवर्ड वगैरह भी कर सकते हैं। पासवर्ड करने के बाद यहाँ से प्रोसेस टू अप्लाई ऑनलाइन पे इस क्लिक कर सकते हैं दोस्तों। तो यहाँ से मैं बैक करता हूँ। ठीक है, तो चलिए मैं फॉर्म को खोलता हूँ। यहाँ से कुछ समय लगेगा, यहाँ पे टिक कर देता हूँ। टिक करने के बाद यहाँ से फॉर्म खोलता हूँ। तो दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पे आ गया फॉर्म खुलकर स्टेट रेसिडेंस। तो मान लो मेरा जो है उत्तर प्रदेश। आइडेंटिफिकेशन में आप आधार कार्ड, पासपोर्ट, स्टूडेंट आईडी, वोटर कार्ड, राशन कार्ड, बैंक अकाउंट कुछ भी लगा सकते हैं। तो आधार कार्ड ये सबके पास होता है, ये आप लगाइए। आधार नंबर यहाँ डाल लीजिए, जो भी आधार नंबर है वो आपका। ठीक है, जो भी आधार नंबर हो वो डाल लीजिए। कैंडिडेट नेम डाल लीजिए, जो भी हो, एनी वे जो भी हो। आप डेट ऑफ बर्थ यहाँ पर डाल सकते हैं, जो भी आपका डेट ऑफ बर्थ हो। ठीक है, यहाँ पर जो डेट ऑफ बर्थ डाल लीजिए। यहाँ पे इंटर पिन डाल लीजिए, जो पिन दिया हुआ है BP और इंग्लिश रहेगा ना यहाँ पे, तो यहाँ पे BP 3901 यहाँ से आपको सबमिट कर लेना है। तो अब देख सकते हैं यहाँ पे अलाउड सिर्फ इंग्लिश है, ओनली करेक्टर। तो यहाँ से मैं करेक्टर कर लेता हूँ। ठीक है, फिर यहाँ से पिन डाल लेता हूँ 8015LJ। चलिए मैं फिर सबमिट करता हूँ। तो रिक्वायर्ड यहाँ पे एयर डालना है, तो चलिए मैं एयर यहाँ डाल लेता हूँ 2000। मैं एयर यहाँ 1990 डालता हूँ। चलिए फिर मैं यहाँ डालता हूँ A 0, फिर उसके बाद क्या है U 346। चलिए तो यहाँ पर देख सकते हैं आपको मोस्ट ऑफ वॉलेट आधार नंबर डालना है, तो यहाँ पे आधार नंबर मैंने सही नहीं डाला है। तो दोस्तों इस तरह से आपको फॉर्म फिलअप कर लेना है, बहुत आसान है। ठीक है, तो आशा करता हूँ दोस्तों ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। तो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल और बेल आइकन दबाना ना भूले दोस्तों। और कमेंट में पूछ सकते हैं कोई भी सवाल हो आपका, और किसी तरह की समस्या हो तो कमेंट में पूछ सकते हैं दोस्तों। लाइक करें, कमेंट करें और चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें दोस्तों। थैंक यू सो मच।